हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज वापस मैं हाजिर हूँ एक नए मूवी के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ द जैकेट इस मूवी के बारे में, जो एक टाइम ट्रैवल मिस्ट्री मूवी है, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके खुद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, और तभी उसे पता चलता है कि अतीत में उसकी मौत होने वाली है। लेकिन मौत के बावजूद भी वो फ्यूचर में कैसे टाइम ट्रैवल करता है, इसी की मिस्ट्री है। और मूवी में दो टाइमलाइन चलने के कारण बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए वीडियो आखिरी तक देखें। मूवी में आपको मिस्ट्री, रोमांस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जरूर मिलेगा, इसीलिए इस मूवी को 7.1 की रेटिंग है IMDb पे। इस मूवी के डायरेक्टर है जॉन मेवरी और इसके कास्ट है एड्रियन ब्रॉडी, कियारा नाइटली, डैनियल क्रेग छोटे से रोल के लिए है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट रोल है उनका, क्रिसोफरसन और जेनिफर लेन। कहानी की शुरुआत होती है 1991 के गल्फ वॉर से, जहां जैक स्टार्क एक लड़के को रेस्क्यू करने जाता है, लेकिन वो लड़का इसी पे गोली चला देता है और इसके सर में इंजरी हो जाती है, जिसके कारण अब इसे एमनीजिया होता है, यानी इसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता, और इसी के कारण उसे आर्मी से ऑनररी डिस्चार्ज दिया जाता है। अब इस इवेंट के एक साल बाद यानी 1992 में जैक वर्मोंट शहर में आता है, और एक दिन ऐसे ही रास्ते में जब जा रहा था तब उसकी मुलाकात एक लड़की जेनी और उसके माँ जेना से होती है। इनकी गाड़ी खराब हुई थी और जेना पूरी नशे में धुत थी, तो जैक एज अ कर्टसी इनकी गाड़ी रिपेयर करता है और छोटी जेनी के साथ उसकी दोस्ती होती है। जेनी को जैक का आर्मी नेम टैग काफी पसंद आता है, सो जैक उसे वो दे देता है। लेकिन उतने में जेना को होश आता है, एक अनजान आदमी को अपने बेटी के साथ देख के वो घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जैक भी अपना सफर आगे बढ़ाता है। कई माइल्स चलने के बाद उसे एक आदमी लिफ्ट देता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर पुलिस इस आदमी को रोकती है और पूछताछ करने लगती है, तो यह आदमी अचानक से गन फायरिंग करने लगता है पुलिस में। अब इस क्रॉस फायरिंग में जैक बेहोश हो जाता है और वो आदमी अपनी गन जैक के पास छोड़ के भाग जाता है। आगे जैक इसी सिलसिले में पकड़ा जाता है, लेकिन एमनेजिया के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था, तो कोर्ट उसे मेंटल असाइलम भेज देती है, ये सोच के कि ये दिमागी तौर से बीमार है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बेकर इसका इलाज करते हैं। अब इनकी दवाइयों के कारण तो इसकी तबीयत और भी खराब होने लगती है, तो यहाँ पे डॉक्टर बेकर उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद अचानक से इसे बेसमेंट लेके जाते हैं हॉस्पिटल के, जहाँ पे डॉक्टर बेकर इसे एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स देते हैं। उसे एक जैकेट पहनाया जाता है और मॉर्ग ड्रॉवर में बंद कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बेकर जैक के ऊपर सेंसर डिप्रिवेशन ट्रीटमेंट कर रहे थे। इस ट्रीटमेंट के दौरान दरअसल लोगों को एक टैंक में डाला जाता है, जिसे फ्लोटिंग टैंक या आइसोलेशन टैंक भी कहते हैं। ये टैंक एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उस इंसान को, जिसके कारण टैंक के अंदर इंसान लोअर ग्रेविटी के कारण फ्लोट भी कर सकता है। ये टैंक पूरा साउंड प्रूफ रहता है, इसीलिए बाहर का आवाज भी नहीं आ सकता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, पूरा डार्क रहता है, लाइट की किरण भी नहीं पास हो सकती, कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसीलिए इंसान पूरी तरीके से रिलैक्स कर पाता है। इंसान का माइंड एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, इसीलिए इंसान पूरा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अब इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि आपका ब्रेन पूरी तरीके से एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। अगर आपको याद होगा, स्ट्रेंजर थिंग में 11 के ऊपर भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसे एक टैंक में डाला जाता था और उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता था कि वो खुद को वॉइड में ट्रांसपोर्ट कर पाती थी। दोस्तों, ये लॉजिक याद रखना मूवी के प्लॉट में काफी इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन डॉक्टर बेकर ने यहाँ पे खुद का ही अलग सेंसर डिप्रिवेशन ट्रीटमेंट बनाई थी, जहाँ पे वो पेशेंट को एक्सपेरिमेंटल ड्रग देके उन्हें मॉक ड्रॉवर में कुछ देर के लिए बंद कर देते। यहाँ पे जैक का उस ड्रॉवर के अंदर दम घुटने लगता है, वो पैनिक हो जाता है और धीरे धीरे उसे मेमोरी फ्लैश होने लगते हैं। लेकिन एमनेजिया के कारण उसे चीजें ठीक से याद नहीं थी। जब थोड़ी देर के बाद उसे बाहर निकाला जाता है, तब वो काफी चुप चुप रहने लगता है। इसी दरमियान उसकी मुलाकात एक और पेशेंट रूडी और डॉक्टर लॉर्सन से होती है। अगले दिन भी उसके ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट होता है। इसी दरमियान उसे काफी सारे मेमोरी फ्लैश दिखने लगते हैं और वो जेनी के मेमोरी पे फोकस करने की कोशिश करता है, और दोस्तों अचानक से नेक्स्ट मोमेंट पे वो उसी जगह खुद को पाता है, यानी पिछले ही पल वो हॉस्पिटल में था और अभी वो उस मेमोरी के जगह पे खुद को पाता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, जैक ने खुद को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया, ये हमें मूवी के प्लॉट में पता चलेगा। सामने उसे एक लड़की दिखती है और जैक की हालत काफी खराब थी, ठंड से कांप रहा था। उसकी ये हालत देख के वो उसे अपने घर में रहने देती है। दिखने के लिए तो ये लड़की हेल्दी नहीं थी। इस लड़की का नाम जेनी था, अकेली ही रह रही थी। उसकी माँ कुछ ही सालों
पहले नशे में धुत थी तब एक्सीडेंट की वजह से मारी गई थी। जेनी उसे खाने पीने के लिए कुछ चीजें देती है। इसी दरमियान जैक पूरे घर में देख रहा था तब उसे खुद का ही वो नेम टैग मिलता है मिलिट्री का, जो उसने छोटी जेनी को दिया था। तो वो इसके बारे में इस जेनी को पूछने लगता है, भाई तुम्हें ये कैसे मिला? तो वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे इसी आदमी ने ये टैग दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उसके ही एक साल बाद यानी 1993 के न्यू ईयर के दिन ही मर गया। अब ये सुन के जैक के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है कि ये साल क्या है? तो जेनी बताती है कि ये 2007 है। यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाता है जैक और जेनी को बताने की कोशिश करता है कि वो आदमी मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हें ये टैग दिया था, बट मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया। अब ये ऐसी बातें सुन के जेनी भड़क जाती है। उसे लगता है कि ये कोई पागल इंसान है, इसीलिए उसे वो घर से बाहर निकाल देती है। जैसे ही बाहर निकालती है ये वापस खुद को उस मॉर्ग के ड्रॉवर में पाता है, यानी अतीत में 1992 में आ जाता है। ये काफी कंफ्यूज था लेकिन उसके साथ साथ काफी कमजोर पड़ गया था। एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ उसे कुछ पता नहीं था। अब एक दो दिन के बाद उस हॉस्पिटल से वो भागने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर लॉर्सन उसे पकड़ लेती है। आगे जैक रूडी से जो पेशेंट था उससे बात कर रहा था, तो रूडी यहाँ पे उसे रिवील करता है कि कुछ सालों पहले उसके ऊपर भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट चलते थे और वो भी अलग अलग वक्त में फ्यूचर में ट्रैवल करता था। लेकिन जब स्टाफ को पता चला कि ये टाइम ट्रैवल की बातें कर रहा है तब उन्हें लगा कि इसके दिमाग की हालत और भी खराब हो रही है, इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट रोक दिए गए। वो कहता कि अगर तुम्हें कुछ चीजें जाननी है फ्यूचर की तो तुम उसी मेमोरी पे फोकस करो, उस मोमेंट पे, अब तुम उसी जगह पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे जैक कंफ्यूजन में था कि वो फ्यूचर में जाए या ना जाए, लेकिन जब से उसे उसके मौत के बारे में पता चला था कि आने वाले 6 दिन में ही यानी 1 जनवरी 1993 का उसी दिन ये मरने वाला है, अब ये कैसे मरने वाला और खुद की मौत कैसे टाली, इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट खुद पे चालू रखता है, किसी को कुछ नहीं बताता। जब अगला एक्सपेरिमेंट आता है तभी उसे काफी सारे मेमोरी फ्लैश आते हैं, लेकिन इस बार वो जो पुलिस का किस्सा था उस मेमोरी पे कॉन्सेंट्रेट करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने पुलिस को मारा था और पूरा इल्जाम जैक पे आया है। अब इसके बाद वो जेनी की मेमोरी पे फोकस करता है और 2007 में उसी होटल के सामने ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे फिर से वो जेनी से मिलता है। अब यहाँ पे जेनी भी कंफ्यूज थी कि सच में ये जैक है या नहीं, इसीलिए उसने खुद ने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। तो जैसे ही वो जैक को यहाँ पे देखती है वो उसे बताती है कि 1 जनवरी 1993 में के सर पे सीरियस इंजरी हुई थी हॉस्पिटल में, उसी के कारण उसकी मौत हुई है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर बेकर उसके पेशेंट पे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के कुछ इल्लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कि 1970s में ही बैन हो गए थे। तो फिर ये दोनों भी उसी हॉस्पिटल में जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो डॉक्टर बेकर के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वैसे नाम का डॉक्टर नहीं था क्योंकि पूरा स्टाफ चेंज हुआ था। लेकिन वहाँ पे उन्हें डॉक्टर लॉर्सन मिलती है जो कि अभी भी काम कर रही थी। सो जैक उससे मिलता है लेकिन अपनी पहचान छुपाता है। वो कहता है कि मैं जैक का रिलेटिव हूँ और जैक के मौत के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं बताती, सिर्फ इतना ही बताती कि उसके सर पे चोट लगी थी उसी के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन वो आगे कहती है कि जैक मेरा काफी अच्छा दोस्त था और पता नहीं जैक को ये सब कुछ कैसे पता था, पर उसने मेरे एक पेशेंट को ठीक करने का तरीका बताया था। इनको लॉर्सन से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगती, इसीलिए हॉस्पिटल के पीछे ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग जैक की कब्र देखते हैं जिसपे लिखा था कि ये 1 जनवरी 1993 में ही मारा गया। जब अगली रात पे उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तब वो वापस 2007 में आता है और डॉक्टर लॉर्सन के बारे में पढ़ने लगता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है। और तभी जैक को पता लगता है कि लॉर्सन के पेशेंट को सीजर की बीमारी थी और उसने मिड शॉक थेरेपी उस पे इस्तेमाल की थी, इसी के कारण वो पेशेंट ठीक हुआ। यानी ये सब कुछ अभी जैक को पता चल गया था और वो अतीत में जाके यही चीज लॉर्सन को बताता है कि तुम्हारे पेशेंट को एक गलत इलाज कर रही हो, उसके सीजर की बीमारी है, वो टेस्ट कर लो और उसे मिड शॉक थेरेपी दे दो। ये जानने के बाद लॉर्सन शॉक होती है कि भाई तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे ही फ्यूचर वर्जन से मुझे ये पता चला। यानी दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन ये पास्ट में लेके जाता था और इसी के कारण ये सारे चेंज ऑफ इवेंट हो रहे थे। यहाँ पे 2007 में जेनी भी काफी कंफ्यूज थी कि जैक के साथ क्या हो रहा है और उसकी मौत को हम कैसे डाल सकते हैं ताकि वो हमेशा के लिए जैक के साथ रह सके। वो उस हॉस्पिटल से डॉक्टर बेकर का एड्रेस निकालती है
और अगली बार जब जैक उसके साथ आता है तब ये दोनों भी डॉक्टर बेकर से उसके घर पे मिलने जाते हैं। अब डॉक्टर बेकर पूरा बूढ़ा हो गया था और अपने पूरी जिंदगी गिल्ट में गुजार रहा था कि उसने अपने हॉस्पिटल में इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके कारण काफी सारे लोग मारे गए थे। वो जैक को देख के शॉक होता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तो जैक उसे बताता है कि जब भी तुम मुझे मॉर्ग के ड्रॉवर में डालते थे मैं यहाँ पे यानी 2007 के टाइमलाइन में अपने आप ट्रांसपोर्ट होता था और जैक के मौत के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन वो भी कुछ खास नहीं बताती, सिर्फ इतना ही बताती कि उसके सर पे चोट लगी थी उसी के कारण उसकी मौत हुई। फिर इसके बाद बेकर उसे कुछ पेशेंट के नाम देता है एंड कहता है कि ये सारे वो लोग हैं जो मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे गए थे। इसके बारे में सिर्फ मुझे और कुछ मेरे खास लोगों को ही पता था लेकिन स्ट्रेंजली तुम्हें ये सारे नाम पता चल गए थे। सो जॉन कहता है कि ऑब्वियसली अब तुमने मुझे यहाँ पे बताया है तो मैं अतीत में जाकर तुम्हें ये बोलने ही वाला हूँ। और वो उसे काफी भला बुरा कह के यहाँ पे आ जाता है और वापस वो 1992 में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ही उसे ड्रॉवर से निकालते हैं जैक काफी गुस्से में था। जैसे ही उसे मॉर्ग से निकालते हैं वो डॉक्टर को खरी खोटी सुनाने लगता है, कहता है कि ये सारे वो पेशेंट थे जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में मारे गए और यही बात मैं पूरी लाइफ हॉन्ट करती रहेगी, तुम याद रखना। जिसके कारण डॉक्टर बेकर बहुत ही डर जाते हैं एंड वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसे ये बात कैसे पता चली। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये सेकंड इंसिडेंट था जहाँ पे वो फ्यूचर से इन्फॉर्मेशन लाके पास्ट में वो चीजें कर रहा था। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हमें प्लॉट में पता चलता है। आगे जब वो लॉर्सन से मिलता है तो डॉक्टर लॉर्सन उसे थैंक यू कहती है क्योंकि जो वो पेशेंट था जिसे सीजर की बीमारी थी वो मिड शॉक थेरेपी से धीरे धीरे ठीक होने लगा था। इसे अपने मौत के बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं चल रहा था इसीलिए वो कुछ और चेंज करने का सोचता है। अगली बार जब वो जेनी से मिलता है तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पुराने घर का एड्रेस दो जहाँ पे तुम 1992 में रहती थी। वो कारण पूछती है तो वो कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा आगे और उसका एड्रेस लेके वो वापस अतीत में आता है। 1992 में आने के बाद वो एक लेटर लिखता है जेनी के माँ जेना को और उस लेटर में उसे शराब छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है। फिर वो डॉक्टर लार्सन से बात करता है कि मैम मुझे प्लीज कुछ वक्त के लिए बाहर जाने दो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं खुद से ही वापस आऊंगा। लार्सन उसे अलाउ करती है और वो सीधा जो छोटी जेनी रहती है उसके घर पे चला जाता है, इसीलिए उसने वो एड्रेस लिया था। उसके घर जाने के बाद छोटी जेनी वहाँ होती है, वो उसे देख के पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसने वो नेम टैग दिया था मिलिट्री का। जैक उसे कहता है कि प्लीज अपने माँ को बुलाओ और वो लेटर वो जेना को देता है और उसे बताता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ये तुम्हें क्रेजी लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यही सच होने वाला है। मैंने सारी बातें इस लेटर में लिख दी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसे पढ़ना जरूर। और वो जेनी को गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। जेना वो लेटर पढ़ती है। लेटर में ऐसे लिखा हुआ था कि तुम्हें एक्सट्रीम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट है, उसके कारण तुम मरने वाले हो। नशे के धुत में एक दिन सिगरेट पीते हुए खुद को ही आग लगा दोगे और इसी में मरोगे। पर यही नहीं, इसके बाद आपकी बेटी की लाइफ भी बर्बाद होने वाली है और अंत में वो भी तुम्हारी तरह ड्रिंक करने लगेगी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो कल मैं मरने वाला हूँ, आप हॉस्पिटल में आके चेक कर सकते हो। मैं शायद ही अपनी लाइफ बदल पाऊंगा लेकिन आप अपनी और अपनी बेटी की लाइफ बदल सकते हो। प्लीज अपने बेटी के साथ क्लोज रहना, उसे प्यार करना। जेना बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसी दिन वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग छोड़ने का फैसला करती है और अपनी बेटी से गले लगाती है। अब यहाँ पे बार बार टाइम ट्रैवल करने के कारण जैक की हालत बहुत ही खराब थी। वो वापस हॉस्पिटल में जब आता है तब लार्सन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्द से जल्द जैकेट पहनाया जाए, यानी वो वापस फ्यूचर में चला जाए। कैसे तैसे वो उसकी कमजोर हालत में वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। पूरा वीक हुआ था लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे काफी हार्ड बर्फ थी, वो लग के उसके सर में इंजरी होती है, खून बहने लगता है और तभी जैक को रियलाइज होता है कि इसी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था और अभी वो मरने वाला है। लेकिन उसे आखिरी बार जेनी से मिलना था, अपने प्यार से मिलना था, इसीलिए वो वापस टाइम ट्रैवल करके 2007 में आता है। उसी दिन आता है जब वो जेनी से पहली बार मिला था 2007 में। होटल के सामने ही थोड़ी देर के बाद जेनी मिलती है लेकिन वो जैक को पहचानती नहीं है। यहाँ पे जेनी की कंडीशन काफी अच्छी थी, जैक के सर से अभी भी खून आ रहा था। उसकी ये हालत देख के जेनी उसे लिफ्ट देती है और रास्ते में उसे अपने माँ का कॉल आता है, उससे वो काफी अच्छे से बात करती है। यानी दोस्तों जेना मरी नहीं थी, यानी यहाँ पे जैक के लेटर के कारण पूरी टाइमलाइन बदल गई थी और जेनी एक अच्छी लाइफ जी रही थी। वो हॉस्पिटल में नर्स थी। वो जैक को पूछती है हाउ लॉन्ग डू वी हैव और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था वी हैव ऑल द टाइम। जैक के सर का खून बहुत ही बहने लगता है और धीरे धीरे जैसे अतीत में वो मर जाता है यहाँ से वो गायब होता है और मूवी यहीं पे एंड होती है।
तो अभी भी एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में मूवी में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इस डायरेक्टर के इस मूवी के दौरान कुछ जो इंटरव्यू लिए गए थे उसमें उसने कुछ हिंट्स दिए थे और वही पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। सो दोस्तों, सबसे पहली थ्योरी ये है कि जैक को गोली लगती है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां पे जो भी हमने पूरी मूवी देखी वो पूरा उसके एक हेलुसिनेशन का पार्ट है, जहां पे वो सारी चीजें इमेजिन करने लगता है। उसका दिमाग ये इसके लिए कर रहा था ताकि कैसे भी वो खुद के होने वाले मौत को टाल सके। तो सेकंड थ्योरी ये है कि जैक को सर पे गोली लगने के बावजूद वो बच जाता है, लेकिन उसे एमनीजिया हुआ था यानी चीजें भूलने की बीमारी थी, इसीलिए वो वापस अपने शहर में आता है वर्मोंट। वहाँ पे वो छोटी जेनी और उसके माँ से मिलता है। उसके बाद उस क्रॉस फायरिंग में पुलिस उसे पकड़ते हैं और उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। आगे उसके बाद जो भी उसकी मेमोरी फ्लैश उसे आ रहे थे कि वो 2007 में ट्रेवल कर रहा है, ये सब कुछ उसके हेलुसिनेशन थे। उसे लग रहा था उस जैकेट के कारण वो टाइम ट्रेवल कर पा रहे, बट वो भी सच नहीं था। अब आते हैं थर्ड थ्योरी के पास कि वो क्या थी। थर्ड थ्योरी ये कहती है कि जैक के जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक्चुअली में जब ड्रॉवर में जाता था तब खुद को 2007 में यानी फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट करता था। फ्यूचर में जो भी कुछ इवेंट हुए थे उन्हें देखने के बाद वो पहले तो खुद की लाइफ बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एग्जैक्टली एक्सीडेंट क्यों हुआ था इसके बारे में पता चलता ही नहीं है, इसीलिए वो खुद की मौत नहीं रोक पाता और इसी के कारण वो टाइमलाइन अल्टर कर पाता है, जेनी और उसके माँ की लाइफ बचाता है और इसीलिए वो जेना को लेटर लिखता है कि तुम अपनी लाइफ अच्छी करो। और वही होता है, अगले टाइमलाइन में जेना की माँ जिंदा बचती है और उसी के कारण जेनी भी काफी अच्छी होती है। मुझे ये थ्योरी ज्यादा वैलिड लगती है क्योंकि एक और पेशेंट था यानी रूडी, वो भी टाइम ट्रैवल कर सकता था इसी एक्सपेरिमेंट के कारण, और अगर ये थ्योरी सच है तो उसे रूडी से बात करने के बाद ही ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देने चाहिए थे। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं होते तो वो कमजोर नहीं पड़ता और ना ही टाइमलाइन चेंज होती और ना ही लार्सन का पेशेंट ठीक होता और ना ही जेनी की लाइफ ठीक करने के इरादे से वो उसके घर जाता और वो लेटर देता, जहाँ से आने के वक्त ही कमजोरी से वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी मौत होती है। यानी कई बार लोग अपना फ्यूचर अच्छा करने के चक्कर में अपने मौत को इनविटेशन दे बैठते हैं। इस मूवी से एक लेसन तो दोस्तों हमें यही मिलता है कि लाइफ इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे प्रेजेंट को चेरिश करना चाहिए, उसे अच्छे से जीना चाहिए। जैक फ्यूचर में मरने वाला है ये पता लगने के बाद वो अपना फ्यूचर बदलने जाता है और यही टाइम ट्रैवल उसके मौत का कारण बनता है। अब बात करते कि ये टाइम ट्रैवल कैसे कर रहा था, कि मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रही थी सेंसर डिप्रिवेशन ट्रीटमेंट, ये उसका असर था। चेंबर में जो पानी डाला जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड डाला जाता है, जिसके कारण हमारे सेंसर्स काफी स्ट्रांग बनने लगते हैं, हमारी सुनने की और देखने की क्षमता बहुत बढ़ती है और जैसे स्ट्रेंजर थिंग में 11 वॉइड में ट्रैवल कर सकती है, वैसे ही यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट के कारण जैक ट्रैवल कर सकता था 2007 में। अब दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड मूवी है यानी यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं दिया गया है और ये व्यूअर्स को डिसाइड करना है कि मूवी में एग्जैक्टली क्या हुआ। आपको कौन सी थ्योरी यहाँ पे वैलिड लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी है जिसने आपको कंफ्यूज करके छोड़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।